बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साबे शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको फाइल लोकेशन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको फाइल लोकेशंस के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर अगर आपको ये मालूम करना है कि आपकी जो फाइल है उसकी लोकेशन क्या है, यानी आपने अपनी फाइल को कहां पर सेफ रखा है, तो ये कैसे और कब आप मालूम करेंगे अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और आप किसी के सिस्टम में बैठ जाते हैं और वहां पर एक्सेल की फाइल ओपन है और वो पहले से ही जो है सेफ हुई हुई है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि ये फाइल जो है वो कहाँ पर सेफ हुई हुई है। तो उसको फाइंड करना कैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं अपनी इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं फाइल में चला जाता हूँ और सेव कर लेता हूँ, ब्राउज में चला जाता हूँ और इसको मैं जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स एज अ जो है मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट में मैं सेव कर लेता हूँ और इसका फाइल का नेम जो है मैं रख लेता हूँ यहाँ पर लोकेशन के नाम से। तो मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं अपना फोल्डर जो है यहाँ पर ओपन करता हूँ तो देखें यहाँ मेरे पास जो है फाइल जो मेरे पास जो है सेफ हो चुकी है डॉक्यूमेंट में। अब ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए दिखाया कि ये फाइल जो हमने जो है डॉक्यूमेंट में सेफ रखी हुई है। तो आप किसी भी फोल्डर में सेफ हो सकती है, डेस्कटॉप पे भी हो सकती है या ड्राइव पे हो सकती है। तो अब अगर जैसे मैं ये यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि ये फाइल कहाँ पर सेफ है, तो फाइल को फाइंड करने का तरीका क्या है, आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। इक्वल सेल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है रेफरेंसेस ऑन होंगे, तो आपने सेलेक्ट करना है फाइल नेम। या तो आप इसको मैनुअल टाइप कर लीजिए डबल कोटेशन बनाकर और फाइल नेम लिख लीजिए, या तो आप कीबोर्ड से जो है डाउन की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पर टैब बटन आपने प्रेस करना है, तो ये आपके पास जो ऑप्शंस थे वो ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसके बाद आप करेंगे एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखिए ये आपको लोकेशन बता रहा है कि सी के अंदर यूजर्स के अंदर और जिस नाम से आपका सिस्टम अपग्रेड होगा, जो आपने नाम रखा होगा वो आपका नाम आएगा। उसके बाद ये फोल्डर बता रहा है कि डॉक्यूमेंट में आपने सेव किया हुआ इसको और फाइल का नाम क्या था, लोकेशन। हमने फाइल का नाम लोकेशन रखा था, तो ये उसने हमें बता दिया कि आपने आपने जो फाइल किस फोल्डर में, किस ड्राइव में, किस पोजिशन पर आपने सेव की हुई है, तो आप इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो बहुत सिंपल तरीका था कि कैसे आप जो अपनी फाइल की लोकेशन निकाल सकते हैं बिना आपने अगर सेव किया हो, किसी और की फाइल है तो आप मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।